क्या कभी आप भी आंवले को इस तरह से स्टोर करके देखे हैं? अगर नहीं तो ये वीडियो पूरा देखिए, आपको ये टिप बहुत ज्यादा पसंद आएगी। इस तरह से आप 6 महीने तक आंवले को स्टोर करके रख सकते हैं। आंवले का सीजन बस जाने ही वाला है, तो इस समय जितना आंवला आप स्टोर कर पाइए स्टोर करके रख लीजिए। आंवला हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, हमारे स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारी आंखों के लिए। तो इसको कोशिश कीजिए कि पर डे खाइए। तो गर्मियों में तो आंवला मिलता नहीं है, लेकिन आज हम गर्मियों के लिए आंवला स्टोर करके रखेंगे। तो अभी भी मार्केट में बहुत ढेर सारे आंवले आ रहे हैं और बहुत अच्छे आ रहे हैं, बड़े बड़े और बिल्कुल पके हुए। तो यहाँ पर हम दो तरह से आंवले को स्टोर करेंगे, और मैं पहले भी साबुत ही कच्चा आंवला स्टोर करने का वीडियो आपके साथ शेयर की हूँ, तो आप चाहे तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं, इंडी स्क्रीन में लगा दूंगी। तो पहला तरीका हमारा है आंवले को ग्रेट करके स्टोर करना। तो इस तरह से मैं आंवले को ग्रेट कर ली हूँ, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार ग्रेट कर लीजिएगा। और इसको मीडियम साइज वाले ग्रेटर से ग्रेट करेंगे। अगर हम बड़े वाले से ग्रेट करेंगे तो फिर इसका लच्छा काफी बड़ा बड़ा होगा, और छोटे वाले से ग्रेट करेंगे तो जल्दी ग्रेट नहीं होगा। तो इसके लिए मीडियम साइज वाले ग्रेटर से ग्रेट करेंगे। तो आंवला जितना भी आपको स्टोर करना है ग्रेट कर लीजिए, और इस तरह से आइस क्यूब ट्रे लीजिए और थोड़ा थोड़ा ऐसे आंवला इसमें डाल दीजिए। और ऐसा नहीं है कि जूस इसका निचोड़ कर अलग कर दीजिए, जूस भी इसी में रहेगा। इस तरह अच्छे से सेट करके ये आंवला इसमें ऐसे रख देंगे। तो सारे ग्रेट किए हुए आंवले को इसमें मैं रखती हूँ, अच्छे से इसको बराबर कर देंगे जिससे क्यूब एक बराबर तैयार हो। अब इसको हम रखेंगे डीप फ्रीजर में, तो आगे मैं बताऊंगी कि इसको क्या करना है। अब दूसरे टिप के लिए आंवले को हम कट करेंगे। इस तरह से करके आंवले को पहले कट कर लेंगे। ये देखिए जहां से इसकी लाइनिंग है ना, यहां से ऐसे करेंगे और फिर इस लाइनिंग पे ऐसे करके ऐसे बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए जहां पर लाइनिंग है ऐसे यहाँ पे चाकू डालेंगे और ऐसे करेंगे तो आंवला बहुत अच्छे से कट हो जाता है। तो आंवला अच्छे से पका रहता है तो बहुत अच्छे से कट हो जाता है, और अगर थोड़ा सा दागी आंवला है तो कट करके निकाल दीजिए। तो ये देखिए गुठली एकदम अलग हो चुकी है। एक और मैं कट करके दिखा रही हूँ। इसकी लाइनिंग पर ऐसे चाकू डालेंगे, अंदर तक ले जाएंगे, और फिर बगल में दूसरी लाइनिंग है यहाँ पर ऐसे करेंगे, अंदर तक ले जाएंगे, और फिर हल्का सा चाकू को ऐसे टेढ़ा करेंगे। ये देखिए ये देखिए ऐसे हर लाइनिंग पर चाकू डालेंगे, हल्का सा टेढ़ा करेंगे, लास्ट वाले को ऐसे करके निकाल लेंगे। तो इस तरह से आंवला कट करेंगे तो गुठली में ज्यादा आंवला नहीं लगा रहेगा। तो इस तरह से आंवले को मैं कट कर ली हूं। अब इसको मिक्सी जार में डालकर पीस लेंगे। तो एक बार में पूरा नहीं आएगा, इसलिए 2 से 3 बार में इसको पीसूंगी, और इसमें पानी डालकर नहीं पीसेंगे, बिना पानी डाले ही इसको पीसेंगे। लगातार मिक्सी चलाकर पीसेंगे तो नहीं पीसेगा, इसलिए मिक्सी को रोकिए, फिर चलाइए, फिर रोकिए, फिर चलाइए, तो कुछ सेकंड में ही पीस जाता है, और इसमें पानी डालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए कितना रस है इसमें, तो इसका भी रस हम निकालेंगे नहीं, इसको एक प्लेट में खाली कर लेंगे। अब बाकी का आंवला भी इसी में डालकर पीस लेंगे। तो इसको भी पीस ली हूँ। अब इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल दे रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, बहुत मतलब 1/4 छोटा चम्मच के करीब है। ऑप्शनल है, चाहे तो डालें चाहे तो स्किप कर दें, बिना नमक के भी इसको बना सकते हैं। अच्छे से मिला लेंगे। अब इसको भी आप चाहे तो आइस मोल्ड में जमा सकते हैं, लेकिन मैं इसमें नहीं जमा रही हूँ। तो अगर आपके पास आइस मोल्ड नहीं है या नहीं जमाना चाहते हैं तो इस तरह से कोई कंटेनर ले लीजिए, ये मिठाई का कंटेनर है, तो उसी में मैं इसको रखते रही हूँ। अब हाथ से इसको बराबर कर देंगे, मोटा पतला आप अपने अनुसार रख लीजिएगा जैसा पीस आपको चाहिए। तो बस इसको इस तरह से बराबर कर दी हूँ। अब इसको बंद करके करीब 2 घंटे के लिए डीप फ्रीजर में रख देंगे, और फिर 2 घंटे के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि क्या करना है।
तो 2 से 2.5 घंटे हो चुके हैं और ये वाला देखिए बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। तो इसको इस ट्रे से बाहर निकाल लेंगे। अगर आपको जरूरत लगे तो पीछे साइड में हल्का सा पानी टैप के नीचे ऐसे कर दीजिए, तो भी ये क्यूब बहुत जल्दी से निकल जाता है। अब इसको आप किसी कंटेनर में स्टोर करके रख लीजिए, और कंटेनर में नहीं रखना चाहते हैं तो जिपलॉक पॉलीथीन में भी रख सकते हैं। और जब भी आपको जरूरत हो तो एक क्यूब लीजिए, इससे आप चाहे तो चटनी बनाइए, चाहे तो ऐसे खाएं। और अगर आप पानी में डालकर पीना चाहते हैं तो हल्का गर्म या फिर नॉर्मल पानी लीजिए, एक क्यूब इसमें डाल दीजिए। और इसमें आपको कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्यूब बना बनाया रहेगा। तो जब भी आपका मन करे पानी में डालिए और इसको मिलाकर पी लीजिए, और सुबह खाली पेट पीजिए तो आंवले का बेनिफिट आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। और ये देखिए जो कंटेनर में हम जमाए हैं, तो इसको हल्का सा ऐसे करेंगे बाहर आ जाएगा। अब इसको आप अपनी मनपसंद पीस में कट कर लीजिए, जितना साइज आपको चाहिए। तो ये देखिए इस तरह से मैं कट कर ली हूं। अब इसको छोटे छोटे क्यूब में कट कर लेंगे, जितना बड़ा पीस आप कट करना चाहें कट कर लीजिए। तो इस तरह से मैं इसको भी कट कर ली हूं। अब इसको भी कंटेनर में स्टोर करके रख ले रही हूं। अब इससे भी आप जो भी रेसिपी बनाना चाहे बना सकते हैं, आंवले की खट्टी मीठी चटनी, या फिर पानी में डालकर इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो बालों में भी लगा सकते हैं। इस तरह से आप कच्चे आंवले को 6 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन इसको डीप फ्रीजर में स्टोर करके रखना है। तो दोस्तों, इस यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए एक लाइक और शेयर तो बनता ही है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें।